आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। इस साल विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर यानी शुक्रवार को मनाई जाएगी। मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के सातवें पुत्र हैं। हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का निर्माण करता और शिल्पकार माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि को संवारने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को सौंपी थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो वह एक विशाल काय अंडे के आकार की थी। उस अंडे से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि बाद में ब्रह्मा जी ने इसे शेषनाग की जीभ पर रख दिया। शेषनाग के हिलने से सृष्टि को नुकसान होता था। इस बात से परेशान होकर ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा से इसका उपाय पूछा। भगवान विश्वकर्मा ने मेरु पर्वत को जल में रखवा कर सृष्टि को स्थिर कर दिया। भगवान विश्वकर्मा की निर्माण क्षमता और शिल्पकला से ब्रह्मा जी बेहद प्रभावित हुए। तभी से भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार माना जाता है। प्राचीन काल में जितने भी सुप्रसिद्ध नगर और राजधानियां थीं, उनका सृजन भी विश्वकर्मा ने ही किया था। जैसे सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका नगरी, कलयुग का हस्तिनापुर, यमपुरी और कुबेरपुरी आदि। इसके अलावा महादेव का त्रिशूल, श्रीहरि का सुदर्शन चक्र, हनुमान जी की गदा, यमराज का कालदंड, कर्ण के कुंडल और कुबेर के पुष्पक विमान का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। वो शिल्पकला के इतने बड़े कुशाग्र थे कि जल पर चलने योग्य खड़ाऊ बनाने का सामर्थ्य रखते थे। भगवान विश्वकर्मा के जन्म को देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन से भी जोड़ा जाता है। ज्योतिषियों की माने तो भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यापार में वृद्धि और नौकरी में उन्नति होती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा के साथ ही कारखानों और फैक्ट्रियों में औजारों की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 17 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 18 सितंबर को दोपहर 3:36 तक रहेगा। ध्यान रहे कि 17 सितंबर को सुबह 10:30 से दोपहर 12 तक राहु काल है। इस दौरान पूजा करना निषेध है, बाकी किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। चलिए आपको पूजा की विधि भी बताते चले। इस दिन अपने कामकाज में उपयोग होने वाली मशीनों को साफ करें, फिर स्नान करके भगवान विष्णु के साथ विश्वकर्मा जी की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें पुष्प, सुपारी, दही, रोली, रक्षा सूत्र आदि अर्पित करें। इसके बाद ऋतुफल, मिष्ठान, पंचमेवा, पंचामृत आदि का भोग लगाएं और धूप दीप से उनकी आरती करें। विधिवत पूजा संपन्न करने के बाद प्रसाद बांटे। जनतंत्र टीवी के लिए आकांक्षा साक्षी की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।